साथियों, कल छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में 4% का वृद्धि कर दिया गया है और गृह भाड़ा भत्ता में 6वां वेतनमान के स्थान पर 7वां वेतनमान के आधार पर गणना करने का घोषणा किया गया है। तो आज का इस वीडियो में मैं प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का 42% महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता कितना होगा इसको गणना करके बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बहुत सारे शिक्षा साथियों को अपना वेतन का गणना करने में परेशानी हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम 42% महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता का गणना किस प्रकार से करें। तो मैं इस वीडियो में न्यूनतम वेतनमान और अधिकतम वेतनमान के आधार पर DA और HRA का गणना करना बताने वाला हूँ। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का न्यूनतम वेतनमान 25,300 से शुरुआत हो जाता है। तो जुलाई महीना से पहले महंगाई भत्ता 33% के अनुसार दिया जा रहा था, जिसके अनुसार 25,300 का 33% 8,349 रुपया हो जाता है। तो ये राशि जुलाई माह से पहले मिल रहा था। इसी प्रकार से न्यूनतम वेतनमान 25,300 के अनुसार राज्य शासन का घोषणा के बाद में 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पर 25,300 का 42% के अनुसार महंगाई भत्ता 10,686 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर 33% और 42% का महंगाई भत्ता का अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 42% के अनुसार 10,626 रुपया और 33% के अनुसार 8,349 रुपया होता है और इसका अंतर राशि 2,277 रुपया बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अधिकतम वेतनमान प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का 38,400 रुपया होता है। 38,400 रुपये का 33% के आधार पर अगर गणना करें तो यहाँ पर 38,400 रुपये का 33% 12,672 रुपया हो जाता है। इसी प्रकार से अधिकतम वेतनमान 38,400 रुपये का 42% का महंगाई भत्ता का गणना करें तो यहाँ पर 38,400 रुपये का 42% 16,128 रुपया हो जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार से आप अपना वेतनमान मूल वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता का गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 42% और 33% के अनुसार अधिकतम महंगाई भत्ता का अंतर 3,456 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी स्कूल में सेवा देने वाले शिक्षकों का वेतनमान में 2,277 रुपया से लेकर 3,456 रुपया तक का लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का गृह भाड़ा भत्ता पहले 6वां वेतनमान के आधार पर 7% दिया जा रहा था, अगर इसका गणना करें तो 9,840 रुपये का 7% 888 रुपया 8 पैसा हो जाता है, जिसको राउंड फिगर में इको स्लाइड में 889 रुपया दिया जा रहा था। इसी प्रकार से जुलाई 2023 से राज्य शासन के द्वारा 7वां वेतनमान के अनुरूप 6% गृह भाड़ा भत्ता का घोषणा किया गया है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का वर्तमान में 7वां वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतनमान 25,300 रुपये है, जिसका 6% निकाला जाए तो यहाँ पर 1,518 रुपया हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पर 6वां वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता 1,518 रुपया बन रहा था और 7वां वेतनमान के अनुसार 1,518 रुपया बनेगा, तो इसको माइनस कर देते हैं तो 829 रुपया का बढ़ोतरी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का न्यूनतम वेतनमान में होने वाला है। तो यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप अपना वेतन का गणना कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। आप अपना वेतन का गणना करने के लिए आपका जो वर्तमान में मूल वेतन है, जो जुलाई महीना में एक इंक्रीमेंट के साथ लगने वाला है, उसके आधार पर आप अपना HRA और DA का गणना कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।